मेरे बताए अनुसार अगर आपने इस दवा का प्रयोग कर लिया तो आपकी गुर्दे की पथरी चंद दिनों में जड़ से गायब हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी घरेलू ज्ञान चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देसी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देता हूँ, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी छोटी सी और बहुत बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस समय गुर्दे की पथरी या पित्त की थैली में पथरी दोस्तों होना आम बात हो गया है। दोस्तों, उसमें क्या होता है कि हमारा खान पान ऐसा है कि पथरी होना आम बात हो गया है। लेकिन दोस्तों, खान पान के साथ साथ बहुत से लोग हैं कि जो दिन भर में एक दो गिलास ही पानी पीते हैं, तो मैं उनके लिए पहले बता देता हूँ दोस्तों, कम से कम आप 12 गिलास पानी दिन में ज़रूर पीजिए ताकि आपको पथरी की समस्या ना हो पाए। तो दोस्तों, अगर आपको भी गुर्दे की पथरी है और आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हो सकता है दोस्तों इस दवा के इस्तेमाल से आपका जो पथरी का दिक्कत है दोस्तों, जो गुर्दे की पथरी बनी हुई है, तो दोस्तों ये जड़ से गायब हो जाए। तो दोस्तों, आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा और ये जानकारी सिर्फ आपके लिए लाई जाती है दोस्तों, ताकि आपको आराम हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे वीडियो में एक छोटा सा पौधा देख पा रहे होंगे, दोस्तों इतना आप कह सकते हैं कि ये धरती पर किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होता है और दोस्तों ये बहुत ही ढूंढने पर मिलता है, लेकिन ये बहुत ही लाभकारी, बहुत ही जान लीजिए रामबाण सिद्ध हो सकता है जिसको गुर्दे की पथरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी गुर्दे की पथरी से परेशान हैं, अगर आपको भी पेशाब में जलन होती है दोस्तों, और कहीं आपकी गुर्दे की पथरी जाकर पेशाब नली में फंसी हुई है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप इसके इस्तेमाल से अपने गुर्दे की पथरी को कैसे जड़ से गायब कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए इसका नाम दोस्तों, इसे डंडेलियन, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पीले पीले रंग का फूल है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, इसे डंडेलियन या सिंह पर्णी बोला जाता है दोस्तों, और ये आयुर्वेद में बहुत ही विशेष महत्व रखता है दोस्तों। बस ये जान लीजिए, ढूंढने पर बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आपने इसको ढूंढ लिया तो आपकी गुर्दे की पथरी को आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसी का इस्तेमाल करिएगा, मात्र एक हफ्ते या 15 दिन में आपकी गुर्दे की पथरी जड़ से गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ आपको आप करना क्या है और आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाएँ फ़ायदा बहुत करती हैं, बस हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो यही जानकारी दिलाने की कोशिश करता हूं मैं अपने छोटे से चैनल देसी घरेलू ज्ञान के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पौधा ढूंढ लेना है दोस्तों, मैं आपको पहचानने की कोशिश करता हूं, आप देख पा रहे होंगे पीले रंग का फूल इसमें लगा हुआ है और दोस्तों बहुत ढूंढने पर मिला हुआ है ये हमको आज। तो दोस्तों, आप डंडेलियन को ढूंढ लीजिए या सिंह पांडी को ढूंढ लीजिए दोस्तों, और आपको इसको खोद लेना है। खोदने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसकी जड़ को निकाल लेना है। दोस्तों, आप इसे खोदेंगे तो इसकी जड़ निकलेगी, और इसकी जड़ को निकाल लीजिए दोस्तों, घर पे ले जाइए, इसको सिलबट्टे पर पीस लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए। दोस्तों, इसका रस एक चम्मच आप सुबह खाली पेट मरीज को पिलाइए और एक चम्मच शाम को सोते समय पिलाइए। दोस्तों, आज 15 दिन बाद जाके अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा, आपकी जो गुर्दे की पथरी फंसी हुई है दोस्तों, वो तुरंत पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, अगर आप भी गुर्दे की पथरी से परेशान हैं दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो दोस्तों, ये रही मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आप अपने गुर्दे की पथरी को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे छोटे से चैनल देसी घरेलू ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों जो इस चीज़ से पीड़ित हो उसको आराम मिल सके। मेरा मकसद वीडियो बनाने का ही होता है दोस्तों, कि आप लोगों को देसी जड़ी बूटियों के बारे में नॉलेज हो और आप एलोपैथ के चक्कर में ना पड़ें। तो दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल करिए 10 दिन 15 दिन, उसके बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, आपकी गुर्दे की पथरी पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। मेरी यही आशा है दोस्तों, आप लोग आयुर्वेद को अपनाएं, जैसे आज के 100 साल पहले आयुर्वेद विकसित था, विकसित करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके और आपको एलोपैथ का रिएक्शन ना हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।